सारी गलती मेरी है, मैंने क्यों उसे अकेला छोड़ा? बेटा अरम, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप अपनी अम्मी से भी पूछकर देख लें, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। देखो, मेरा भांजा अगर जेल से ना भागा होता ना, तो मैं ये बात कभी भी नहीं करती। लेकिन कासिद की हिम्मत नहीं है कि वो मोमना के साथ कुछ उल्टा सीधा करे। उसको तो किसी बड़े सहारे की जरूरत है, फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। एक मिनट, आप क्या कहना चाह रही हैं? मामा ने कासिद को अप्रोच किया होगा? देखो बेटा, अभी तो मैं भी कोई बात यकीन से नहीं कह सकती। जिस तरह तुम भी कल से सोचे जा रहे हो, उसी तरह मेरा भी दिमाग चल रहा है। मोमना की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हाँ, लेकिन जब भी मैं मोमना के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे अमतुल बेगम का ही ख्याल आता है। जब उन्होंने कहा था कि मैं मोमना को अरहम से किसी भी हालत में दूर ले जाऊंगी, चाहे उसकी शादी करा के या फिर। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरहम भाई वैसे ही बहुत परेशान है, प्लीज इस किस्म की बातें मत करें अभी। तब परेशान तो हम सभी हैं ना, बस मैं तो ये कह रही थी कि, खैर माफ कर देना अगर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया हो तो। नहीं, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। कैसे, किसके साथ? वो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं चलूंगी साथ, प्लीज। नहीं, तुम यहाँ समी के पास रहो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा। ये लो बेटा, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ। रोटियां भी गरम गरम है। तुम यहाँ पे निठाल पड़ी हुए हो और समी हॉस्पिटल में है। तुम्हें कितना कहा था मैंने कि उसको अपना आदि मत बनाओ। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें अगर माँ जैसी गोद मिल जाए तो उन्हीं के हो जाते हैं। अरे बेटा, तुम भी खा लो और मुमना को भी खिला दो। जी, थैंक यू आंटी। खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। आप खा लें, अगर हो सके तो एक एहसान कर दीजिएगा, मुझे प्लीज समी के पास हॉस्पिटल ले जाएं। औरत हूं ना, डर लगता है, पता नहीं कौन दुश्मन कहीं घात लगाए बैठा। तंस कर रही हूं मुझ पर? नहीं, तंज नहीं कर सकती। एक बेबस औरत सिर्फ मिन्नत कर सकती। अच्छा, तुम खाना खा लो, फिर ले जाऊंगा मैं तुम्हें हॉस्पिटल। मुझे नहीं खाना। दो दिन तक नहीं खाया तो मर तो नहीं गई ना, जिंदा बैठी हुई हूँ। खाने से क्यों जिद कर रही हो? खाना तो खाओ। मर जाने दे मुझे, ऐसी रोज रोज की मौत से बेहतर है बंदा एक ही बार मर जाए। जब तक मैं जिंदा हूं, मरने भी तुम्हारा।
क्या करूं मैं जिंदगी का, क्या गलती है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा क्या कसूर है जो मेरी सजा खत्म ही नहीं होती। जानती हूं तुम्हारा क्या कसूर है, तुम अरहम की बीवी हो, उस अरहम की जो पहले औरत को इज्जत देता है और फिर उसे मोहब्बत का मान देता है। और ये जो लड़की इसके सामने बैठी है ना, इसकी इज्जत भी करता है और इससे बहुत मोहब्बत करता है। ये लड़की इसकी दस्तरस में भी है लेकिन फिर भी इसने इंतजार किया है उस वक्त का जब वो इसे पूरे मान के साथ अपने घर लेके जाएगा और फिर जताएगा इस पर अपना हक। इतनी मोहब्बत मत कर, मैं इस मोहब्बत के लायक नहीं हूं, मुझसे इतनी मोहब्बत मत करें आप। खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी दुआ था, रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां, हो हरा दिल सजना वे हरा दिल। हेलो अंकल जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? निकलो फौरन, जाओ यहाँ से। मैं तो यहाँ पे अपना हिसाब किताब करने आया हूँ जी। कैसा हिसाब? चोर रास्तों से आने वालों से मैं बात नहीं करती, समझे तुम? निकलो यहाँ से फौरन, वरना मैं अपने गार्ड्स बुलाऊं। ना 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 ना, इस किस्म की कोई भी गलती करने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिएगा कि आने वाले को कहेंगे क्या। अंकल जी, सीधे रास्ते से आया होता ना तो आप ही के लिए मुश्किल होती थी। बहरहाल पुलिस पड़ी है मेरे पीछे और मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है, और इस घर से अच्छी और महफूज जगह मेरे लिए हो ही नहीं सकती है? क्या सजना, मैं इस मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, मुझसे इतनी मोहब्बत मत करें आप। सजना हेलो हेलो, हाँ मोमिना आ गई है, अपने घर पर ही है, तुम्हें अगर उससे बात करनी है तो। मुझे फराज ने सब बता दिया है लेकिन मुझे तुमसे बात करनी थी, एक बुरी खबर है। देखो मुझे तुम्हारा तावुन चाहिए होगा और तुम्हारी मदद भी, मुमकिन है ये मेरा शक हो। कैसा तावुन, तुम खुलकर बात करो, क्या बात है? कासित का मोबाइल फोन मेरे बंदों को मिल चुका है, उसके मोबाइल लिस्ट का आखिरी नंबर किसी अमतुल नामी यूजर का है जो कि उसने रिसीव किया है। मुझे फराज से पता चला है कि तुम्हारी वालदा का नाम भी अमतुल ही है। हेलो हेलो अरहम, अरे यार मेरी बात तो पूरी सुन लेते। हाँ लेकिन जब भी मैं मोमना के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अमतुल बेगम का ही ख्याल आता है। Ah
अबे आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो भला और कौन करेगा? आखिरकार हमारा मिशन भी तो एक ही है ना? बैठे बैठ जाए, आपका अपना ही बैठ। मैं क्या कह रहा था कि आप और मैं आपस में डील कर लेते हैं, इसमें आपका भी फायदा होगा मेरा भी। वो क्या कहते हैं वो, हाँ, ना रहेगा पास ना बजेगी बांसुरी। जब केस की पैरवी करने के लिए कोई होगा ही नहीं तो दो चार दिन में केस की फाइल तो हो गई बंद। मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूं? मुझ पे भरोसा करना ना अब आपकी मजबूरी है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो लड़की जाएगी थाने में और लेगी मेरा नाम और मैं लूंगा आपका नाम। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम मेरा नाम कैसे ले सकते हो? कुछ भी कहें अमतल जी, हम दोनों एक दूसरे की मजबूरी बन गए। मैंने जितने पैसे तुम्हें देने थे ना वो मैं दे चुकी हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और तुम अब यहाँ से फौरन चले जाओ। और वैसे भी मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तो तुमने किया नहीं। मैंने मोमना को अरम की जिंदगी से दूर ले जाने का कहा था, लेकिन तुम्हारी बुजदिली ने सारी जिंदगी के लिए मुमना को मेरे बेटे के सर पे मुसल्लत कर दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बदतरीन लम्हा है। वो सारे खदशात जो मुझे मेरा वहम लगते थे, आज आपने सारे सच करके दिखा दिए। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे हम ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। क्या आपके साथ ऐसा क्या करूं कि आज मेरे दिल को सुकून मिल जाए? माँ का कौन सा रूप है? मोमना के साथ दुश्मनी में आप इस हद तक जा सकती है? ऐसा कुछ नहीं मैं। अरे सच मेरे सामने है कि आपने क्या किया मम्मा? आराम आराम छोड़ दो उसे, मैं कहती हूँ छोड़ो आराम, छोड़ दो उसे आराम, छोड़ो इसे आराम, हट आराम, उसे छोड़ दो आराम, खुदा के लिए छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ो उसको, मैं कहती हूँ छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। गो ये गन मुझे दे आप। मामा ये गन मुझे दे आप। मैं कह रही हूँ तुम जाओ यहाँ से। मैं आपसे कह रहा हूँ गन मुझे दे आप। कह रही हूँ तुम जाओ यहाँ से। क्यों आप मुझे गन दिए? नहीं तुम जाओ, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। मामा क्या किया हमने? क्या कर दिया हमने? पापा अगर आप भी कमजोर पड़ गए तो मामा को कौन संभालेगा? इस वक्त उन्हें हमारे हौसले की जरूरत है, प्लीज।
मामा आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट में। बस आपने वही कहना है जो मैं आपको कहा। देखिए ये एक सेल्फ डिफेंस का केस है, आपने वही किया जो आपको अपनी जान बचाने के लिए करना चाहिए था। कैसे यार? तुम्हारे सामने ही हो जैसा भी हो। कल रात से एक बात सोच रहा हूं, तुमने तो जिंदगी में कभी आज तक एक कॉकरोच तक नहीं मारा, फिर ये जीते जागते इंसान को कैसे मार दिया तुमने? कैसे और क्यों? मां हूं मैं अफान से, मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी की मोहब्बत में आकर किया। अगर इसे कुछ हो जाता मैं वो सब कुछ देख सकती थी जो मेरे सामने हो रहा था। ये नामुमकिन है कि मैं वो सब कुछ देखती रहती। मैंने जो भी किया बेटे की मोहब्बत के लिए किया। तुम क्यों आई हो यहाँ? जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना है। किसी से भी नहीं? अरे किसी से नहीं मिलना मुझे यार। पर हम मुझसे किस बात का गिला है? जो कुछ भी हुआ उसकी मुझे भी उतनी ही तकलीफ है जितनी आपको। क्या आपका दुख, आपकी तकलीफ मेरी नहीं? नहीं मोमिना, मेरा दुख मेरी तकलीफ तुम्हारी नहीं हो सकती। जो कुछ मामा ने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा मिल तो गई उन्हें, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या आप आज तक मुझे इतना ही समझे? बस आपने मुझे इतनी ऊंचाई से नीचे फेंका यार, हम कि मेरे पास तो अल्फाज भी खत्म। अरे मुझे नहीं चाहिए किसी की हमदर्दी, नहीं चाहिए किसी की तसल्ली यार, तुम जाओ यहां से। कि जो कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं मामा की बात मान लेता तो आज वो यहाँ होती, मेरे पास होती। ये गिल मुझे चैन नहीं लेने दे रहा, बोलो मैं क्या करूं? कर मैंने तो आपसे हमेशा कहा आ रहा हूं कि माँ का रिश्ता सबसे बढ़कर होता है और सबसे पहले होता है। आज आपको एहसास तो हुआ गलत तरीके से। अरे मामा ने जो कुछ किया वो मेरे एक्शन का रिएक्शन था मोमिना, वो मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी और मैं तुम्हारी मोहब्बत में उनसे दूर होता चला गया। मेरी जिद और मेरी हठधर्मी की वजह से आज मेरी माँ जेल की सलाखों के पीछे है। अब बोलो मेरा ये पछतावा, मेरा ये गिल्ट, ये गलत है क्या? मोमिना तुम यहाँ? तो अरहम से बातें हो रही थी काफी टाइम से, तो परेशानी हो रही थी इसीलिए यहाँ पे आ गई उससे बात करने। हाँ तो अच्छा किया ना। ठीक है तुम जहाँ कहाँ रही हो, बैठोगी नहीं? क्या बात है, तुम मुझे अपसेट लग रही हो। तुम्हें अरहम ने कुछ कहा है? जी नहीं, मैं बस चलती हूँ। मोमिना एक बात कहूँ तुमसे? जी आप भी कह लें। जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है, ये घर तुम्हारा है मोमिना। हो सके तो पुरानी सारी बातें भुला दो, तुम्हें इस घर में वापस आ जाना चाहिए। मैं गुजरी हुई सारी बातें भूल चुकी हूँ। ये घर मेरा है, आप ये भी भूल जाएंगे। आपसे एक बात कहूं? कहो ना, इतने दिन हो गए
हमने एक दूसरे से कुछ भी तो नहीं कहा, ना अच्छा ना बुरा। आपकी आंखों में मुझे कुछ खो जाने का एहसास नजर आता है, और मैं जानती कि ये एहसास ना जीने देता है और ना ही मरने देता है। अगर वापस जाने का या रिश्ते को वापस से जोड़ने का कोई भी मौका मिले तो अना को बीच में मत आने दीजिएगा। ये अना इंसान को महरूम कर देती है, जज्बात से भी और मोहब्बत से भी, और फिर सिर्फ पछतावा ही बाकी रह जाता है। थैंक यू सो मच मोमिना मुझे समझने के लिए। मैं चलती सजना वे सजना।